किसी भी औरत के लिए वो लम्हा बहुत ही दर्दनाक होता है जब उसको ये पता चलता है बाहर के किसी व्यक्ति से कि उस जिस पर उसने दिलो जान लुटाया था, जिसके साथ उसने साथ फेरे लिए थे, जिसकी मांग का सिंदूर वो अपने मांग में सजाए हुए घूम रही है, वो उसका नहीं किसी और का हो चुका है। एक झटके में उसका दिल टूट जाता है, उसके आंसू, कोई देखने वाला कोई नहीं होता। कई बार तो बुरी हालत तब होती है जब ससुराल वाले भी इस बात का समर्थन करते हैं। हमने ऐसे बहुत से केस देखे हैं और हमें ये बताते हुए बड़ा दुख होता है कि परिवारों के हस्तक्षेप के बाद भी ऐसे लोग वापस नहीं लौटते हैं। और स्पेशली कुछ परिवारों में तो सास ससुर ही ऐसे होते हैं जो अपनी बहू से चिढ़कर उसका घर बर्बाद करते हैं। बेसिकली वो बहू का घर बर्बाद नहीं कर रहे, वो अपने बेटे का ही घर बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ईगो है ना, उनका जो घमंड है, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि बहू सिर्फ पैर की जूती बनकर रहे। भले ही लड़का दिखने में बेकार हो, भले ही लड़का एक रत्ती पर पैसा नहीं कमाता हो, बहू बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत कमा रही हो, लेकिन भारतीय समाज में कुछ परिवारों की ये विडंबना है। कुछ परिवारों के बारे में बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भी वो न जाने कौन से ज़माने में जी रहे हैं। बहू का सांस लेना उनको बर्दाश्त नहीं है, बहू का खुश होना उनको बर्दाश्त नहीं है, बहू से न जाने किस बात का वैर वो पाले हुए हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बहू को अलग कर देते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वो दिन कब आएगा जब बेटे की गलती पर माँ बाप अपने बेटे को डांटेंगे और बहू की रक्षा करेंगे? मैं कहती हूँ उसी दिन हमारा जो धरती है स्वर्ग बनेगी, जिस दिन बहू की कदर करना सास ससुर समझेंगे। बहुत से ऐसे केस आते हैं, रुला देने वाले केस होते हैं और बहुत दुख होता है, लेकिन बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आपकी भी होगी। वैसे तो विशेष परिस्थिति में अपनी कुंडली की ही जांच आपको करानी पड़ेगी, क्योंकि उन कारणों को खोजा जा सकेगा। यहाँ हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। अब ये उपाय ऐसे हैं जो बहुत से शास्त्रों में भी वर्णित हैं और प्रैक्टिकली बहुत से लोगों के द्वारा प्रयोग में भी लिए गए हैं और उससे उनको लाभ भी हुआ है। तो हो सकता है आपको लाभ हो, लेकिन नहीं होगा लाभ तो फिर कुंडली का परामर्श जरूर लीजिए, जिससे कि उन कारणों को खोजा जा सके कि आपके पति क्यों आपके हाथ से निकल गए, आपके पति क्यों आपकी नहीं सुनते, आपके ऐसे कौन से दुर्योग हैं जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन शापित है और आप दुख झेलने पर मजबूर हैं। तो मैं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी, हमेशा आपकी खुशहाली चाहती हूँ और हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ आपके दुख में। मैं हर वो प्रयास करने की कोशिश करती हूँ कि आपके दुख दूर हो सकें, आपका जीवन साथी आपका ही होकर रहे, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ही दुखद स्थिति है कि कुछ बहुत ही निर्लज औरतें होती हैं, बहुत ही बदतमीज़ और बेशरम औरतें होती हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है, जो दूसरों का घर बर्बाद करती हैं, चरित्र की दृष्टि से बहुत खराब होती हैं, शराब की आदत डाल देती हैं पुरुषों को, मासिक धर्म में बना बना के खाना खिलाती हैं ऐसे आदमियों को, जिससे कि वो उनका गुलाम हो जाता है, और मासिक धर्म के पैट के गंदे गंदे प्रयोग करती हैं, इतने गंदे प्रयोग कि मैं यहाँ आपको बता ही नहीं सकती। वो इस तरह के प्रयोग इस क्षेत्र में होते हैं। तो खैर, कुल मिला के किसी भी तरह के प्रयोग हुए हों, और देखो औरत की भी गलती नहीं, आदमी भी कोई कम बदतमीज नहीं है, जो अपनी अच्छी खासी पत्नी, जो घर को संभालने वाली पत्नी है, उसको छोड़कर किसी अन्य की तरफ चला जाता है, तो दोनों की ही बराबर गलती है। और बदतमीज़ बोलने में कोई गिल्टी नहीं है मुझे, क्योंकि ऐसे लोग वाकई में परिवार का नाश करते हैं, अपने बच्चों को बुरे संस्कार देते हैं, और ये किसी पर मैं कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद महसूस नहीं करेंगे कि वो कितने गंदे काम कर रहे हैं और शारीरिक तृप्ति को ही जीवन का सब कुछ मान के बैठे हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तभी चलता है जब कोई भी अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं होता और वो सुख वो बाहर ढूंढता है। मैं कहती हूँ इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, लेकिन उन लोगों को ऐसे चश्मे चढ़े हुए हैं कि उनको दिखाई नहीं देता, ऐसे गंदगी के चश्मे चढ़े हुए हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ वासना और जिसको बोलते हैं गंदगी ही दिखाई देती है। तो आज के वीडियो में एक उपाय आपको बता रही हूँ और ये सिद्ध मंत्र है, बहुतों ने इसको प्रयोग किया, लाभ हुआ। अब किसी का दुर्भाग्य ही है कि उसको अगर इससे लाभ नहीं मिले तो, वरना तो इससे सभी को फ़ायदा मिलता है, और आप इसमें पूरा विश्वास कीजिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको एक मंत्र भी बता रही हूँ लेकिन प्रयोग का तरीका भी बता रही हूँ। आपको दो कंकर लेने हैं, थोड़े बड़े पत्थर भी आप ले सकते हैं। एक पत्थर पर आपको लिखना है अपने हस्बैंड का नाम, दूसरे पत्थर पर उस छिनाल उस औरत का नाम लिखना है जिसने आपसे आपका पति छीन लिया है, जिसने आपके वैवाहिक सुख को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नष्ट कर दिया है, उस महिला का नाम लिखें,
क्योंकि ऐसी महिलाएं समाज का काला धब्बा है, काले कलंक हैं, और पुरुष भी कोई कम कलंकी नहीं है। ये लोग चरित्रहीन लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अच्छे खासे घर परिवार को बर्बाद कर देते हैं, और इनको ये होश नहीं रहता कि इसका असर उनके माँ बाप पर क्या पड़ेगा, उनके बच्चों पर क्या पड़ेगा। तो ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है, और इसका जो खामियाजाना है उनको एक बार तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति जो है ना सबको पनिशमेंट देती है। गंदे कर्म करने वाले ये सोच लें कि उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि ऐसी पत्नियों की जो पतिव्रता है उनकी मूक बद्दुआ ऐसे लोगों को लगती है। और एक बार समय ऐसा जरूर आता है जब पति को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो किस गंदी औरत के चक्कर में अपनी घर की लक्ष्मी का त्याग करके बैठ गया, उसको जरूर आंखें खुलेंगी। तो आज का जो उपाय है आप करके देखिएगा। आपको दो पत्थर लेने हैं, एक पत्थर पर आपको लिखना है पति का नाम, छोटा या थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, दूसरे पत्थर पर आपको लिखना है उस औरत का नाम। पत्थर पर लगी हुई सभी प्रकार की जो मिट्टी है उसको साफ कर लीजिए। पत्थर अगर आपको किसी नदी के किनारे का मिलता है या फिर आपको मंदिर के आसपास के स्थान का मिलता है तो वो पत्थर ज़्यादा अच्छा रहेगा, पत्थर कहीं भी गंदगी वाली जगह का नाले में। और इसमें जो खास बात याद रखने की है वो ये है कि जो आपके पति का नाम जिस पर लिखेंगे उस पर आप ध्यान रखें, उस औरत का नाम जिस पर लिख रहे हैं वो नाली के पास वाला भी पत्थर चलेगा, लेकिन पति का नाम जिस पर लिख रहे हैं वो पत्थर या तो मंदिर के आसपास का पत्थर हो और या फिर वो पत्थर किसी नदी, पवित्र नदी के किनारे का पत्थर हो, लेकिन जो औरत है जिसने आपके घर को बर्बाद किया है वो किसी नाली के, गंदगी के, कीचड़ के कहीं का भी पत्थर चलेगा, क्योंकि उसकी यही दुर्गति होनी चाहिए जिसने आपके घर के सुख को नष्ट किया है। तो आपको नाम लिख लेना है, गंदे पत्थर पर लिखना है उस औरत का नाम, अच्छे पत्थर पर लिखना है अपने पति का नाम, दो पत्थर आपको ले लेने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, उस पत्थर के समक्ष बैठकर एक मंत्र पढ़ना है सामने, और वो मंत्र आपको कम से कम 21 दिन तक पढ़ना है डेली। और इस मंत्र को पढ़ना है मंगलवार से चालू कर दीजिए, बजरंग बली का नाम लीजिए और उससे पहले भी भगवान श्री राम और माता सीता का स्मरण करिए, उनके हो सके तो मंदिर जाकर उनके चरण स्पर्श करें। अगर आप किसी अन्य धर्म के हैं तो अपने हिसाब से काम करें, क्योंकि ये जो उपाय हैं ये क्योंकि मैं हिंदू हूँ और अन्य धर्म के बारे में क्या क्या उपाय हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे। इसलिए जो हिंदू भाई बहन है वो श्री राम और माता सीता जी के मंदिर जाएं, और वैसे तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ, जैसा आपको उचित लगे वो करिए, क्योंकि मैं सभी धर्मों को प्रणाम करती हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, लेकिन क्योंकि जो मेरी लिमिटेशन है ज्ञान की, मैं उसके आधार पर ही आपको ज्ञान दे सकती हूँ मित्रों। बाकी परमात्मा आपको सदा खुश रखे, मैं यही सभी के लिए कामना करती हूँ। तो आपको क्या करना है, ये पत्थर आपने ले लिए और हनुमान जी का जो मैं एक मंत्र बता रही हूँ, और एक्चुअली बेसिकली क्या है कि ये शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र में को बहुत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, और उसके लिए कोई ज़्यादा पूजा पाठ का भी मतलब समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये डायरेक्टली भी मंत्र को जप सकते हैं, लेकिन कुछ संख्या विशेष में सिद्ध हो जाते हैं और उसके बाद बहुत जबरदस्त वर्क करते हैं। तो 21 दिन तक इस मंत्र को आपको जपना है, उसके बाद फिर क्या करना है ये पूरी बात सुन लीजिए, मंत्र आपको बाद में बताऊंगी। तो आपको जो उस स्त्री वाला जो पत्थर है जिस पर उस महिला का नाम लिखा है आपने, उस पत्थर को किसी ऐसी जगह पर जाना है जिसके आसपास कोई गंदगी रहती हो या गंदी नाली बहती हो या डस्टबिन या कचरा वचरा जहाँ पर हो, लेकिन साफ सफाई से करना है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से खुद का हाइजीन का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसे गंदी जगह मत चले जाना, और पूरा मास्क है, ग्लव्स, इसका पूरा प्रयोग आपको करना है जिससे कि सेफ्टी आपकी बनी रहे। और मैं आपको सलाह इसकी यही देती हूँ कि पूर्ण सुरक्षा ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेती हूँ। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपने किसी प्रियजन बहुत क्लोज को साथ में ले जाते हुए प्रयोग आप करें, किसी प्रकार का खतरा मोल आपको नहीं लेना है। तो वहाँ पर जाकर आप इस पत्थर को खड्डा खोदकर दबा दीजिए और उसके ऊपर 7 लोहे की जैसे कीलें होती ना वो ठोक दीजिए उसके ऊपर, और कोई पुरानी टूटी चप्पल है तो 7 बार उस चप्पल से उसको पीटिए और चप्पल भी वहीं छोड़कर आ जाइए उसके ऊपर। तो ये काम आपको करना है, और जो पति का नाम जिस पत्थर पर लिखा है उसको आपको अपने जो बैंगल बॉक्स है उसके अंदर रख लेना है, या फिर कोई भी श्रृंगार का सामान जहाँ आप रखते हो उस जगह पर वो पत्थर आपको छुपा के रख देना है। उससे पहले पत्थर को सामने रख के मंत्र जाप करना है, वो मंत्र जाप आप सुन लीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैं आपको अब मंत्र बताती हूँ। ओम अंजनी पुत्र पवनसुत हनुमान वीर वैताल साथ लावे मेरी सौत, फिर उसका नाम लीजिएगा, वो जो महिला है उसका नाम लीजिए सौत बोलते ही, से पति को छुड़ावे उच्चाटन करे करावे, मुझे वेग पति मिले मेरा कारज सिद्ध न करे, तो राजा राम की दुहाई।
शाबर मंत्रों में अक्सर क्या होता है कि जिनका जो तेज होता है, जिनका जो स्वरूप होता है, उनको चुनौती दी जाती है कि आप हमारा काम पूरा करिए। और इसमें कुछ शब्दों का भी ऐसा प्रयोग होता है जो हमारे सामान्य जो मंत्र हैं वो उस तरह का ये नहीं होता है। तो इसमें कुछ शब्दों का जो प्रयोग है उससे आप विचलित ना हो, उनको एज इट इज़ आप जपें। और ये शाबर मंत्र, इनकी काफ़ी महिमा गाई गई है और शाबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। शाबर मंत्र के लिए किसी प्रकार का पूजा पाठ का कोई विधान नहीं है, इनको डायरेक्ट ही आप जप सकते हैं। तो इनको जितना ज़्यादा आप जपेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो आपको सोचना है, आपकी इमेजिनेशन, जब आप मेडिटेशन करिए 5 मिनट का, और उसमें आप ये इमेजिनेशन करिए कि आप अपने पति के साथ सुखपूर्ण तरीके से जीवन जी रहे हैं, और जो आपकी सौत है उसको, उसके बारे में इमेजिनेशन ये करिए कि उसका जो पूरा शरीर है वो बिल्कुल ही नष्ट हो रहा है और उसका अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। शरीर नष्ट होने से इमेजिनेशन करने का ये मतलब है कि उसका जो अस्तित्व है वो आपके पति के जीवन से समाप्त हो गया है, आपके पति के जीवन में अब उसका कोई रोल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह की इमेजिनेशन आपको करनी है, और जो भी आपके मन में आ रहा है उसके लिए वो सब आप विचार उस पर थोप दीजिए। लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन में ये चीज़ बिल्कुल भी मत लेकर आना कि वो आपके पति के साथ, कि आप बैठे बैठे सोचो अरे वो घूम रहे होंगे मूवी देखने का, ये नहीं सोचना है आपको। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो भी वो करने लग जाएंगे। तो किसी भी डेप्थ में जाकर पति की इमेजिनेशन उस औरत के साथ भून कर भी मत करना, ये सोचना कि वो औरत बिल्कुल अकेली बैठी है और आपका पति उनको धुतकार रहा है, इस तरह से निकाल रहा है अपनी ज़िंदगी से, ये इमेजिनेशन करना, और आपका पति आप ही के पास आ रहा है और आप ही सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगी, आप अपने अंदर उन कमियों को भी दूर करो। कई बार क्या होता है कि स्त्रियाँ पति से अच्छे से बात नहीं करती हैं, पति के घर वालों का ध्यान नहीं रखती हैं, पति कई बार घर का काम ही नहीं करती हैं, रोटी नहीं बनाना चाहती हैं, सिर्फ सजने संवरने में वक्त निकाल देती हैं। तो पति की को भी आपके अंदर कुछ चाहिए, तो अपनी उन आदतों की को भी दूर करने का प्रयास करें। और मेरी बात का बुरा मत मानना, ऐसा नहीं है कि हर घर में पति बिल्कुल ही बेकार है कि वो पत्नी से चिढ़कर बाहर अफेयर कर रहा है, ऐसा नहीं होता। कई बार पत्नियों की भी गलती होती है बहनों, और अपनी गलती जितना खुले दिल से स्वीकार करोगे, उसको दूर करने का प्रयास करोगे, तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी बसी रहेगी। ये मान के चलो कि जो गृहस्थी विपरीत परिस्थिति में भी जो औरत अपनी गृहस्थी को बसा के रखती है उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। अपने सतीत्व को पहचानो, अपने तेज को पहचानो, और माता अनुसुईया को याद करो। माता अनुसुईया अपने पतिव्रत धर्म से क्या क्या कर सकती थी, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हम उन्हीं की तो संतान हैं, वो हमारी माँ हैं। तो माँ अनुसुईया का स्मरण करो, आप सावित्री माता का स्मरण करो, माता सीता के बारे में सोचो कि माता सीता ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बना के रखा और क्या क्या किया उनके साथ में, तो वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हम उनको श्रद्धा से नमन करते हैं। और माता सीता के साथ जो हुआ, कुछ लोग उसको गलत एंगल से लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि माता सीता का जो वनवास में जाकर, मतलब आश्रम में जाके लव कुश को पैदा करना, वो ये जताता है, नारी शक्ति को बताता है वो, कि अकेली नारी भी बहुत कुछ कर सकती है, नारी बहुत महान होती है। तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। इसके लिए एक और मैं रास्ता बता रही हूँ, माता दुर्गा की पूजा करो, असीम शक्ति आपको अनुभूत होगी, आपके अंदर ऐसी पावर आ जाएगी। इसके अलावा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो, रविवार का व्रत करो, गुरुवार का व्रत करो, शुक्रवार का व्रत करो, आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव होंगे। ये मैंने एडिशनल बताया आपको, आप चाहो तो करो ये, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर होता है, शुक्र भी वीक होता है, तो ही पति आपके हाथ से निकलता है। तो इन ग्रहों को भी अच्छा करिए, विकट परिस्थिति में अपनी कुंडली की जाँच करवाइए, जिससे मैं देख कर आपको बता सकूँ कि भाई प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या क्या उपाय करने हैं। कई बार आपको नहीं पता होता, शाबर मंत्र तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई कुंडली की जरूरत नहीं है, कोई लग्न जानने की जरूरत नहीं है, राशि वाशि कुछ नहीं जानने की जरूरत नहीं, कोई भी कर सकता है इसको, जिसको इसमें विश्वास हो वो कर सकता है। अब रिजल्ट है कि रिजल्ट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी को टाइम लगता है, लेकिन मैंने आपको